भ्रष्टाचार भगाओ झाड़ू चलाओ अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचेगी आप। रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए भ्रष्टाचार भगाओ झाड़ू चलाओ अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी। 4 जगहों से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसके बाद 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में करीब 45 विधानसभा सीटों में आम आदमी के नेता और कार्यकर्ता जाएंगे, जहां सरकार और विपक्ष की नाकामी बताएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर चुनावी अभियान को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती से भ्रष्टाचार हटाओ झाड़ू चलाओ यात्रा शुरू करने जा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने विधायक जी जवाब दो 5 साल का हिसाब दो, मुख्यमंत्री जी जवाब दो 15 साल का हिसाब दो, 15 तारीख सितंबर से डोर टू डोर कैंपेन 3 चरण का अभियान पूरा कर चुकी है और कल से ये 2 तारीख से 10 तारीख तक पूरे प्रदेश में 4 झाड़ू चलाओ यात्रा शुरू हो रही है। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से, दूसरी धमतरी से, तीसरी यात्रा खरसिया से और चौथी कोरबा से शुरू हो रही है, जिसमें मैं खुद रहूँगा। हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी नेतृत्व करेंगे, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और अलका लांबा जी इसका नेतृत्व करेंगी और ये 45 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा जाएगी। इस यात्रा में हम 2 चीज़ों को जनता के सामने सीधे रखना चाहते हैं। एक कि छत्तीसगढ़ की इतने अमीर प्रदेश होने के बावजूद दुर्दशा कैसे हुई और दूसरा कि 3 साल के अंदर दिल्ली के अंदर इतने बेहतर काम कैसे हुए और साथ ही साथ पिछले 15 साल में जो रमन सिंह सरकार का भ्रष्टाचार का खजाना है उसका भी जनता के सामने हम रखेंगे और जनता से अपील करेंगे कि ईमानदार सरकार बनाइए, भ्रष्टाचार भगाइए और इसके लिए इस बार चुनाव में पूरी ताकत से झाड़ू चलाइए। इस अभियान को लेकर जानकारी देते हुए दिल्ली के श्रम मंत्री और आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय से मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार भगाओ झाड़ू चलाओ अभियान में 10 दिनों तक दिल्ली के 4 बड़े नेता लोगों के बीच जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभा का भी आयोजन किया जाएगा।